हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे मूंग दाल का। तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए मूंग दाल। कोई भी कटोरी सेट कर। तो इसके लिए मैंने लिए 1.5 कप मूंग की धुली हुई दाल। आप छिलके वाली भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। और इसमें मैंने लिए 1/4 कप चावल। चावल कोई से भी आप ले सकते हो। तो इन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर भीगने के बाद मैंने इन्हें धो के साफ कर लिया और इन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। इस तरह से पतला रहेगा ये। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। तो आधी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो मूंग दाल से तो कई रेसिपी बनती है। मूंग दाल का हलवा भी बनता है, मूंग दाल का चीला भी बनता है, मूंग दाल का उत्पम भी बनता है। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल से चीज चीला या चीज उप, कुछ भी बोल सकते हो आप, पिज्जा जो भी आप। तो मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। अब हम इस पर डालेंगे घी, बटर, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो मैं डाल रही हूँ बटर। बटर से थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है, और नहीं डालोगे तो भी चलेगा, और डाल दोगे तो भी चलेगा। और छोटा भी बना सकते हो आप, बड़ा भी बना सकते हो, ये चॉइस अपनी रहती है। तो मिक्स कर लेंगे इसे। मैंने तवा गरम कर लिया था पहले। अब हम इस पे छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हो। तो मैं छोटे बना रही हूँ ताकि बच्चे आराम से खा लेते हैं, और चाहो तो आप इसका एक बड़ा बना ले। तो मैं 4 पीस डालूंगी और अब इसे हम नीचे से सिकने देंगे। तो आपने पहले बनाया है क्या मूंग दाल का ये नाश्ता? अगर बनाया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने इसे पहले भी बनाया है। तो नीचे से इसे हम हल्का सा सिकने देंगे और मैं इसे ढक दूंगी ताकि ऊपर से अच्छी तरह ये सिक जाएगा। गैस मैंने अभी फुली रख रखी है। अब हम इसे पलटेंगे। ज़्यादा नहीं सेकना, हम इसे हल्का ही सेकना है। गैस सिम कर दूंगी मैं अब। अब इसके ऊपर हम करेंगे टॉपिंग। तो मैंने एक केचप लिया है, थोड़ा थोड़ा हम केचप डाल देंगे। अगर आप पिज्ज़ा सॉस डालना चाहते हो तो पिज्ज़ा सॉस भी इस पर डाल सकते हो। इसे हम फैला लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से टमाटर। आप इसमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च जो भी पसंद करते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। थोड़े ही डालेंगे हम। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देंगे। सब चीज़ बारीक काट के रख लें। आप इसमें प्याज भी बारीक काट के रख लें। जो प्याज नहीं खाते वो बिना प्याज का इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मोजरेला चीज। अगर आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो। चीज कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो, ये चॉइस अपनी रहती है। बच्चे तो बस देखते ही मांगेंगे कि मम्मी हमें तो ये रोज बना के खिलाइए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ओरिगेनो, क्योंकि हमने इसे पिज्जा, मूंग दाल का पिज्जा बना रहे हैं हम। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ज़्यादा नहीं। अगर बच्चे को बना रहे हो और वो नहीं खाना चाहते हो तीखा तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। थोड़ी सी काली मिर्च स्पाइसी के अकॉर्डिंग, और अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से नमक डाल देंगे। हाँ तो मेहुल कैसा लग रहा है दिखने में? बिल्कुल, ये तो बच्चों के लिए एकदम मस्त है, टिफिन रेसिपी भी हो सकती है। टिफिन तो नहीं बेटा, गरम गरम ही चीज खाए तो अच्छा रहता है, ये टिफिन में तो बेकार हो जाता है। अब हम इसे चीज मेल्ट होने तक
पकने देंगे, गैस में मीडियम कर दूंगे। बिल्कुल, इसको ट्राई करके जरूर से देखिएगा, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और अपने आप दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। चीज, मोजरेला चीज, प्रोसेस चीज, पनीर, आपकी जो इच्छा हो, वो आपके पास जो अवेलेबल हो घर पे, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो चीज मेल्ट हो गई है, देखिए चीज मेल्ट हो गई है। और ये सीख भी गए हैं, करा रहे अच्छे, देखे वाह, मज़ा आ गया देखने में, तो खाने में तो मज़ा आपको ज़रूर आएगा। तो इस तरह से हम सभी बना लेंगे। तो ये हमारे मूंग दाल का ब्रेकफास्ट, पिज्ज़ा, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और आप ज़रूर बच्चों के लिए बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।